उपाध्याय महान विचारक और राजनेता ही नहीं थे बल्कि उच्च शिक्षा से भी उनका गहरा नाता था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि राजनीति के जरिए ही वह देश में जड़ होते जा रहे स्वाधीनता मूल्यों को जीवंत रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के जरिए समाज के नव निर्माण को सर्वोपरि करते हुए इस सदा कार्य किया। उनका शैक्षिक चिंतन और एकात मानववाद की विचारधारा में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर ही अधिक जोर था। राजस्थान के पिलानी स्थित बिरला कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान पर प्राप्त किया था। बाद में कानपुर स्थित सनातन धर्म कॉलेज में स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रवेश लेकर उन्होंने वहां से प्रथम स्थान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। कहते हैं कि कानपुर में जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो कमजोर विद्यार्थी जो पढ़ने में कमजोर थे ऐसे विद्यार्थियों का एक जीरो आवर उन्होंने शुरू किया। ऐसे विद्यार्थियों को अपने ही कक्षा के विद्यार्थी अलग से समय देते वो पढ़ाते थे। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उन्हें सदा ही व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था मान रहा हूं। पांचजन और स्वदेश नाम से उन्होंने समाचार पत्र निकाले तो आदि शंकराचार्य की जीवनी भी उन्होंने लिखी। विश्वविद्यालय शिक्षा में एकाग्र मानववाद के अंतर्गत मानव मात्र के कल्याण की उनके उदात्त दृष्टि से नई पीढ़ी को रूबरू कराए जाने की आज इसलिए भी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी से राज्य के विकास से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का हल संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था, मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों के अपने संपूर्ण अनुभव या उसके सारभूत अंश को विभिन्न उपायों द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। अनुभव प्रसारण की यही प्रक्रिया शिक्षा है। अपने चिंतन में बार बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि शिक्षा से ही देश का भविष्य है। इसलिए देश के हर एक बालक बालिका को शिक्षा आवश्यक रूप से मिलनी ही चाहिए। वह प्राय कहते थे, शिक्षा जितनी गहरी और व्यापक होगी समाज उतना ही संपन्न होगा। मैंने आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल जी के व्यक्तित्व की चर्चा इसलिए की है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें इससे प्रेरणा प्राप्त हो। मैं ये भी जानता हूं कि पंडित जी के शिक्षा विषय विचारों के आलोक में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करे जिससे वह पाठ पुस्तकों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हो, ये मेरी अपेक्षा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए शिक्षा की व्यापक और गहरी दृष्टि रखी गई है। नई शिक्षा नीति के मर्म को समझते हुए यदि हम विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन करते हैं तो आने वाले वर्षों में देश फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से विकास करती है, बशर्ते कि वह सार्थक रूप से प्रदान की जाए। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।